बाबा साहब को भैया। हमारे बीच में एक महिला भी हैं और इनके हाथ में बाबा साहब का फोटो है और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक फोटो एम ए पी एच डी बाबा साहब की सारी डिग्रियाँ लिखी हैं। मैडम आपका नाम? मेरा मनीषा निगम है, मैं तिलक नगर से हूँ। मनीषा निगम जी, यस। मनीषा निगम जी, आप यहाँ क्यों आई हैं, क्या आपका यहाँ आने का कारण? महिलाओं को तो घर में रहना चाहिए, रोज चौकाबासन करने चाहिए, रोटी रोटी वगैरह बनानी चाहिए, बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, आप लोगों के यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं सबसे पहले बाबा साहब का 62वां परिनिर्वाण दिवस है, मैं उनके इस परिनिर्वाण दिवस पर मैं उनको सत्सर नमन करते हुए बाबा साहब को की विचारधारा को ग्रहण करते हुए मैं यहाँ तक आज पहुँची हूँ। जैसा कि अभी आपने सवाल पूछा कि महिलाओं को तो घर में रहना चाहिए, मैं आपको बता दूँ कि आज जो हमें यह अधिकार दिया, मैं यहाँ तक घर से निकल के आई हूँ, हमारे बाबा साहब का दिया हुआ है। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए जो काम किया वो शायद 36 करोड़ देवी देवताओं ने इंडिया में रहकर हम दलितों से भी दलित महिलाएं थी उनके लिए कभी कोई काम नहीं किया, तो बाबा साहब ने जो काम किया उनकी वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ और ये एक इंटरव्यू देने के लायक मैं बनी हूँ। तो बाबा साहब ने जो किया था महिलाओं के लिए, एजुकेशन के लिए, उनका घर में परिवार में बराबर का हिस्सेदारी रखने के लिए, उनको पैसा रखने के लिए, उनको एजुकेशन के लिए बाबा साहब ने जो किया वो उनकी बाबा साहब की वजह से ही मैं उनको बार बार सत्सर नमन करना चाहती हूँ। निगम जी, अभी आपने देवी देवताओं का नाम लिया, अब दिवाली से पहले कुछ दिन पहले करवा चौथ आती है, तो एक इसी तरीके की स्टेचू ला के एक मट्टी का मटका सा ला के उनसे अपने पति की दुआएँ करते हैं या अपने बच्चों की दुआएँ करते हैं, तो बाबा साहब ने मतलब ऐसी पाठ पूजा करने से या देवी देवता की पाठ पूजा करने से हल होगा या बाबा साहब को पढ़ने से हल होगा? नहीं, मैं बाबा साहब को पढ़ने से हमारी जो गुलामी की बेड़ियां हैं वो टूटी हैं। मुझे 15 साल हो गए, मैंने करवा चौथ बिल्कुल छोड़ दिया है, मैं हिंदू रीति रिवाज बिल्कुल फॉलो नहीं करती हूँ, मेरे घर में बाबा साहब के अलावा कोई स्टैचू या कोई किसी तरह का कोई कैलेंडर नहीं मिलेगा, मैं हिंदू रीति रिवाज को बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ। ये हमारी गुलामी की जो पहचान है, जो हमारी ये करवा चौथ अगर का रखने से वाकई इंसान की उम्र बड़ी होती तो मैं कहती हूँ शायद कोई आदमी मरा ही नहीं होता, क्योंकि औरतें तो 60 साल 80 साल तक भी जीती हैं, उनके आदमी पहले मर जाते हैं, वो क्यों मर जाते हैं? ऐसा तो नहीं है कि व्रत रखने से किसी की उम्र बढ़ती हो, ये हमें रूढ़िवादी हमें जो अंधविश्वास में बांधने का एक इनका तरीका है, ताकि मनुवादी अपनी जो उन विचारधारा को घर घर में वो जानते हैं कि औरतें बहुत जल्दी इन चीज़ों को फॉलो करती हैं। लेकिन हमें अपनी पढ़ी लिखी महिलाओं को तो कम से कम मैं ये कहना चाहूँगी कि जो अंधविश्वास से बाहर निकलो, बाबा साहब की थ्योरी को पढ़ो, अंबेडकर विचारधारा को पढ़ो, तभी तुम अपनी एक अच्छी जिंदगी जी पाओगी, नहीं तो वही गुलामी में जीते जीते वहीं पे वहीं मर जाओगी। तो जो 36 करोड़ देवी देवता थे उन्होंने हमारे लिए हमारी महिलाओं के लिए कभी कुछ नहीं किया, तो ये करवा चौथ रखने से या दिवाली पूजा से इनसे अगर वाकई कुछ होता तो मैं समझती हूँ हमारे जो पुराने पूर्वज थे वो सब तो ये सब करते हुए आए थे, तो वो क्यों अनपढ़ और गुलामी की जिंदगी क्यों जीते आए थे, क्यों उन्होंने नरक की जिंदगी भोगी? अगर रियल में देवी देवता ने कुछ किया होता तो हमारे तो देवी देवता हमारे बाबा साहब बी आर अम्बेडकर हैं। और मैं निगम जी महिलाओं से क्या अपील करेंगी? आपने बता दिया कि मैंने रूढ़िवादी सारी चीज़ें छोड़ दी, तो जो आपकी बहन है, जो आपकी जो बहन बेटियां हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगी बाबा साहब के लिए? मैं अपनी तरफ से मैं अपनी महिलाओं को यही कहना चाहूँगी, अगर मैं ये सब छोड़ के बिल्कुल अच्छी खासी भली आपके सामने खड़ी रह सकती हूँ, एजुकेटेड हूँ मैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही हूँ मैं, और एक अच्छे मकान में अच्छी तरह से रह सकती हूँ, इसका मतलब उन विचारधाराओं को छोड़ने से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आप फ्री माइंड होकर आप हिंदू विचारधारा को छोड़िए, बुद्ध जी को आप अपनाइए, बाबा साहब की विचारधारा को अपनाइए, और आप मैं समझती हूँ पहले से अच्छी जिंदगी आप जियोगे मेरी तरह। तो अपनी महिलाओं को मैं ये कहूँगी, बहनों खुले विचार से बाबा साहब को अपनाओ, उनकी थ्योरी को अपनाओ, बाबा साहब की विचारधारा पे चलो और घर घर डोर टू डोर जाके अपने बाबा साहब की विचारधारा को फैलाओ। मैं अपनी तरफ से मैंने डोर टू डोर हम लोग काम करते हैं, मैंने बाबा साहब की विचारधारा हमने अपने परिवार में अपने रिश्तेदारों में मैं काफ़ी सारे लोगों को ये सब चीज़ें छुड़वा चुकी हूँ। धन्यवाद।